ये पार्टी के फैसले होते हैं जी, तो ये पार्टी वालों से पूछो, साथ में यूपी का भी काम है, उत्तराखंड का भी काम है, पंजाब का भी काम है, उसमें टाइम लग जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कौन सी वोटें बढ़ गई, नामांकन पत्र के अभी दो दिन पड़े भी हैं सर, टाइम से ही टिकट लाउंस हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे भाजपा में हो गया अकाली दल से कंपटीशन हो रहा है, जैसे कि सांसद सुनील सिंह बाल का लड़का जो लड़ रहा है, क्या नहीं लगता अकाली दल से आपका कंपटीशन है? देखो हमारा तो पंजे का और फूल का मुकाबला है, अब पंजा किसके पास है, फूल किसके पास है, बाकी विकास की बात है, काम की बात है, बाकी लोगों की सोच है, लोग किस सोच पे जाते हैं, वो प्रजातंत्र देश है, वोट डालने का अधिकार अपना अपना सबको है, वो 11 तारीख को रिजल्ट जो आएगा उसमें पता चल पाएगा। आज सुजीत कुमार जैनी जी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है जी, और उसमें उसने अपने जो एफिडेविट दिया है हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी का, उसमें उन्होंने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी की जो राशि दिखाई है जी, वो अपने नाम करीब 1,37,00,000 की है, और उनकी पत्नी के नाम 46,41,000 की है, और बच्चों के नाम कुछ नहीं दिखाया है जी। इसी तरह जो इमोबल प्रॉपर्टी की उन्होंने दिखाई है, डिटेल अपनी बताई है जी जी, वो उनके अपने नाम 1,98,95,000 की है, और उनकी धर्मपत्नी के नाम 1,75,21,375 रुपये की दिखाई है। यस, ये 18 तारीख तक इनसे हमने मांगा है, इनको नोट्स काट दिया है कि वो 18 तारीख तक 3 बजे तक अपना फॉर्म ए और फॉर्म बी जो उनकी पार्टी की तरफ से होगा वो इस दफ्तर में जमा करवा, मतलब बगैर पार्टी के डिक्लेयर करने का एडवांस पार्टी के नाम पर भर दी गई, इन्होंने भर दिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।